वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, रूस और यूक्रेन को समझाने में लगी है, उस समय पाकिस्तान के वजीर आलम देश को छोड़कर रूस पहुंच गए हैं। देश में तबाही मची हुई है और जनाब रूस में जाकर ये कह रहे हैं कि सही वक्त पर आ गए। उधर पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों द्वारा चल रहे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के बीच इमरान खान मेहमान नवाजी का मजा ले रहे हैं। इधर इमरान खान को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के नेशनल बैंक और इसकी न्यूयॉर्क ब्रांच पर $55 मिलियन का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में जारी रिपोर्ट के अनुसार US फेडरल रिजर्व और न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा ये जुर्माना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल रिजर्व ने $20.4 मिलियन का जुर्माना लगाया है, तो वहीं न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने पाकिस्तान के नेशनल बैंक ने $35 मिलियन का भुगतान करने के लिए कहा है। 4 मार्च 2021 को की गई जांच के आधार पर जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि NBP ने 16 मार्च 2016 को कमियों को ठीक करने के लिए अधिकारियों के साथ एक लिखित समझौता किया था। हालांकि हाल ही की जाँच में पाया गया है कि NBP लिखित समझौते के प्रत्येक प्रावधान का पूर्ण अनुपालन करने में विफल रहा है। साथ ही आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है, चूंकि पाकिस्तान का नेशनल बैंक अमेरिकी कानूनों का पालन करने में विफल रहा है, US फेडरल रिजर्व ने NBP को कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट ओवरसाइट में सुधार करने का आदेश दिया है। रिजर्व बैंक ने NBP के आदेश के 60 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों को लागू करने की मांग की है। इसमें NBP को 10 दिनों के भीतर एक अधिकारी को नामित करने के लिए भी कहा गया है, जो रिजर्व बैंक की लिखित योजनाओं को कोऑर्डिनेट और सबमिट करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस बीच NYDFS के अधीक्षक एंड्रियन ए हैरिस ने घोषणा की है कि NBP और उसकी न्यूयॉर्क शाखा द्वारा लगाए गए दंड का भुगतान करने के लिए सहमत हो गए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इमरान खान हाल ही में मॉस्को पहुंचे। उनके पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही रूसी राष्ट्रपति ने पूर्वी यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दिया। अब इमरान तो रूस में पुतिन को मनाने में लगे हुए हैं। इधर अमेरिका ने खेल कर दिया है, पहले से ही कर्जे में डूबा पाकिस्तान अब और फंस गया है, और अब देखना होगा कि इमरान क्या करेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।